हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम देखने वाले हमारे क्लास 9 यानी कि 9 स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है यानी कि ज्योमेट्री का पहला सेमेस्टर टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता था कि इसके पहले हमने जस्ट 2 दिन पहले हमने साइंस का भी इसी प्रकार टेस्ट सीरीज लिया था एंड उसमें भी हमने आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर दिया था। एंड आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी अगर करना होगा दोस्तों, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा और कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लोग करिएगा ताकि आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ओके, तो करना क्या होगा आप लोगों को? कुछ नहीं है, बस क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो होता है आपका ज्योमेट्री, जितना भी हमने पढ़ाया यानी कि पहले चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? तो ये 4 चैप्टर्स में हमने नॉर्मली आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या क्या हुआ है हमने नॉर्मली अगर देखेंगे तो पहली बात तो ये कि 1 to 4 चैप्टर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो हमने डाले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। इसका मतलब हमारा जो पेपर हुआ वो 20 मार्क्स का पेपर है। टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लोग आराम से अपने घर पे बैठ के चिल आउट होकर आप ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से, पर जितने भी क्वेश्चन है कंपलसरी है। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। अगर यही क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो होता है उसमें जेआर ट्यूटोरियल्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ओपन कर लीजिएगा हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का, वहां पर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर लिया हमने, तो वहां पर आप लोग को देखने मिल जाएगा। ओके, तो क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है एक बार नजर डाल लेते हैं ताकि आपको मैं कुछ समझा सकूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन टू अदर्स। कोई भी ये दोनों में से, तीनों में से कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा, बिटवीननेस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट चैप्टर में था, आपको समझाया हुआ है दोस्तों, पूरा अच्छे से क्लियर कराया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये सॉल्व कर पाओगे। फिर वही चैप्टर में से ये भी है कि पॉइंट एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का और ए बी 8 है, तो आपको ए एम का लेंथ बताना है, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से आपको देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है जो कि बहुत सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे एकदम सिंपल आपको नजर आ रहा है, इस प्रकार इसका डायग्राम ये क्वेश्चन है। ये यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है? आगे आप देखोगे 5th क्वेश्चन जो कि सेम एकदम मस्त क्वेश्चन है कि x x-20 और x-40, ये 3 एंगल्स दिए, हर एक का एंगल आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। 6th क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कौन से टेस्ट से ये प्रूव होते हैं, यहाँ पे इसको बताना है। 7th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस राइट एंगल का दिया हुआ है, हमें मीडियन का लेंथ निकालना, हाइपोटेनियस का सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, निकाल सकते हैं हम लोग इसका लेंथ ऑफ QS निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में दिया हुआ है हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, कंस्ट्रक्ट करना, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने कराया हुआ है हमारे लेक्चर्स में। अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे, एक बार रिवाइज करना है, तो आप पहले जाके हमारा लेक्चर्स मैथ्स का ज्योमेट्री सब्जेक्ट का देख सकते हो, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है अच्छे से, आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप पहले वो भी देख सकते हो टेस्ट देने के पहले, या फिर डायरेक्टली आप टेस्ट देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि हमारे इस टेस्ट में पूछे गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी है और ये क्वेश्चन पेपर को ईजिली सॉल्व कर पाओगे एंड 20 में से आप लोग आराम से 18-19 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आउट ऑफ मार्क्स यानी कि 20 में से 20 मार्क्स स्कोर करके दिखाओ। तो आपको बस यही करना है, क्वेश्चन पेपर को आराम से बैठ के एकदम टाइम लेके चिल आउट होके सॉल्व करना है एंड खुद ही असेस करना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। और वो मार्क्स जितने भी आपको मिलेंगे हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोग को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हम लोग आपके कमेंट का जरूर से वेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ हर एक इंस्ट्रक्शन और किस प्रकार करना है आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व एंड किस प्रकार आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो ओके, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है और ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ईजी लगा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर करो दोस्तों एंड बता दो कि इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और उसके बाद हमारा लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे फिर से, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो फटाफट से हर एक इंडिविजुअल पर्सन को शेयर करो, इन्वाइट करो, उनको बुलाओ कि आप लोग कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उनको चैलेंज करो, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फटाफट से कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।